हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेज दिखा रही हूँ और डिफरेंस भी बताऊँगी, रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं और हमें क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेने चाहिए। और ये अपना कोठी बना रहे हैं हम 108 एंड 109 स्क्वायर यार्ड वाली। और तो पहले मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन कोठी दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाता है कितने पिलर पड़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें पड़ती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम चलते कोठी के अंदर। और एंटर होते ही आपकी कार पार्किंग आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस साइड को आपका जो है पॉर्च एरिया, जहाँ पे आप अपना ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये आ जाती है आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो, जो आपकी हॉल की विंडो है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ अंदर की ओर। और एंटर होते ही आपका हॉल ये देख सकते हैं। यहाँ पे अभी काम चल रहा है वुडन का, ये देख सकते हैं। इनके बैक साइड में दिख रहा होगा आपको, ये जो है यहाँ पे LCD पैनल बन रहा है, कबर्ड्स वगैरह भी बन रहे हैं। और ये आपकी आ जाती है ऊपर डाउन सीलिंग। और ये वेंटिलेशन के विंडो आपके लिविंग एरिया, इसमें आप इजीली 6 सीटर सोफ़ा विद डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका किचन, जिसमें कि अभी वुडन वर्क कंप्लीट हो रहा है इसका, अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। और ये हमने जो है कबर्ड बना रखी है, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा सामान आ सके, लाइक फ्रूट्स वगैरह के लिए अभी इसमें लगना बाकी है। बाकी की वीडियो जो है जब रेडी टू मूव होगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये इसमें कबर्ड्स बना रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉड्यूलर किचन है ये। चिमनी का स्पेस भी अभी दिया है इसमें। और हम डेली की अपडेट्स कराते हैं अपने कस्टमर को वीडियो की, उनकी कोठी में अभी क्या क्या काम चल रहा है, कितने पिलर चल रहे हैं और कौन कौन सा हम ब्रिक्स या सीमेंट वगैरह वो यूज़ करते हैं, वो भी हम कस्टमर को बताते हैं। विद एग्रीमेंट करके हम इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाते हैं। ये जो है हमने कबर्ड बनाई हैं, ये सारा कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग है। एंड ऊपर भी आप देख सकते हैं इन्होंने कबर्ड्स बनाई हैं। और ये आपकी आ जाती है डाउन सीलिंग। और इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए विंडो। और ये आ जाता है आपका वॉशरूम, इसमें आपको जो टाइल्स वगैरह है उसकी भी चॉइस रहेगी एंड वुडन की भी आपको चॉइस रहेगी, इसमें कौन सा माइका वगैरह आपने लगवाना है। और ये आपका सेकंड बेडरूम, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारा जो है कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम इसको जो है बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये इसका जो है वॉशरूम है, इसमें इन्होंने ग्रे एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन लगाया है। और ये जो है 3 BHK है, नीचे इसमें 2 BHK है, ऊपर इसमें 1 BHK हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और अगर आप हमसे सिंगल स्टोरी भी बनाना चाहते हैं वो भी हम आपको बना के देंगे। एंड अभी 109 स्क्वायर यार्ड में हमारी सिंगल स्टोरी कोठीज चल रही है, जिसका प्राइस है 38 लाख। एंड वो भी आप देख सकते हैं विदाउट फर्नीचर रहेगी, उसमें वुडन वर्क आपका कंप्लीट रहेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 1700 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से है। तो हम आगे अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। और ये बाहर से रेडी ऐसे लगता है, देख सकते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस, बट अभी इसमें भी थोड़ा सा काम रहता है हमारे साथ वाली कोठी में। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की ओर। और ये देख सकते हैं आप, ऊपर जो है हमने इसमें डाउन सीलिंग का टच दे रखा है, ताकि आपकी जो इंडिपेंडेंट हाउसेज है वो थोड़ा अट्रैक्ट सा लगे। और इसके बाद ही ये आ जाता है आपका किचन, ये देख सकते हैं, ये भी मॉड्यूलर किचन है, इसमें भी कबर्ड कुबर्ड अभी बना रहे हैं। अभी एक्चुअली हमारी जो ये आपको गैस वगैरह दिख रही होगी, ये अभी लेबर वगैरह वहाँ पे रहती है। तो किचन के साथ ये कॉमन वॉशरूम है हॉल और बेडरूम का, ये देख सकते हैं। इसी के साथ ही ये आता है आपका बेडरूम, ये आपका बेडरूम रहेगा। आप
ये आपके कबर्ड्स, और आप ये भी कर सकते हैं जो ऊपर वाला फ्लोर है वो आप रेंट पे दे सकते हैं, अगर विद फर्नीचर अगर आपने लगवाते हैं तो उसका जो रेंट रहता है वो रहेगा 10,000 रुपये, आप इजीली मंथली ले सकते हैं। और ये आती है आपकी ये बैक साइड, ये देख सकते हैं इधर अभी हम इंडिपेंडेंट हाउसेस बना रहे हैं, ये सिंगल स्टोरी। एंड अगर आप 3 BHK 4 BHK वो भी बनाना चाहते हैं वो भी हमसे बना सकते हैं। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अपना घर खुद बनाएं अपने पसंद का, क्योंकि जो रेडी टू मूव होते हैं उसमें पता नहीं होता है कि हमने उसमें पिलर डाले हैं या नहीं डाले हैं, इसीलिए अगर आप अपना घर खुद बनाएंगे तो आपको उसमें पता हो जाएगा कि हमारे घर पे कितने पिलर हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और कौन सी ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप भी हमसे बनाना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और अगर आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट भी देख रहे हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है, ये MC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इसमें लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो अब बहुत लंबी हो गई है तो हमें यहीं ख़त्म करनी चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और धन्यवाद।